और चलिए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग, प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाला मामले में छापेमारी की है। ईडी की टीमें दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड समेत 16 जगहों पर रेड कर रही है। ईडी ने देहरादून स्थित आवास मेडिकल कॉलेज में भी रेड की, जबकि कॉलेज के निदेशक से ईडी पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में ईडी की ये कार्रवाई देश के कई राज्यों में जारी है। दूसरी बड़ी खबर, केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं आतिशी ने एक बार फिर ट्वीट कर ईडी के खिलाफ आज बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। थोड़ी ही देर में आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जिसे लेकर ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। तीसरी ब्रेकिंग, शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई राजनीतिक पार्टी के गठन के लिए एक नाम का दावा करने का विकल्प दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार गुट से 3 नाम मांगे हैं। शरद पवार गुट आयोग की ओर से इस रियायत का उपयोग आज दोपहर 3 बजे तक ही कर सकता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी चुनाव चिन्ह और नाम अजित पवार गुट को दिया है। चौथी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इस दौरान पीएम एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद राज्यसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर अंतरिम बजट 2024-25 पर चर्चा की जाएगी। पांचवी बड़ी खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम दिल्ली पहुंच सकते हैं और दोपहर बाद उनकी पीएम से मुलाकात हो सकती है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर सकते हैं। वहीं सीएम नीतीश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में उनका दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। छठी ब्रेकिंग, यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों को ऑफर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। इस सबके बीच ही राहुल गांधी ने भी यात्रा के दौरान कल इंडिया गठबंधन का बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने का दावा किया था। सातवीं ब्रेकिंग, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में आज कांग्रेस दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे शुरू होगा। कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर फंड अलॉटमेंट में कथित भेदभाव का आरोप लगाया है। राज्य के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कर्नाटक को हुए 1,47,00,000 के कथित नुकसान की भरपाई करने की मांग रखेगी। आठवीं ब्रेकिंग, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से अब ओडिशा पहुंच गई है। आज सुबह यात्रा 9 बजे वेदव्यास मंदिर पहुंची। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यात्रा को संबोधित भी करेंगे। मंगलवार को झारखंड में अंतिम दिन राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर ओबीसी और आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। नौवीं ब्रेकिंग, ज्ञानवापी मामले में अब बुधवार यानी आज सुनवाई। मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने कोर्ट में पेश की दलीलें। उत्तर प्रदेश स्थित ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की दलीलों से हुई, बाद में हिंदू पक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए और दलीलें भी दी गई। अब इस मामले पर सुनवाई होगी। दसवीं ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें फैक्ट्री के दोनों ही मालिक शामिल हैं। आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिल्ली भागने की फिराक में थे।